हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ रोज़ शाम 4 बजे आपकी होम साइंस की लाइव क्लास होती है TGT की। ठीक है, रोज़ शाम 4 बजे आपकी TGT की लाइव क्लास होती है, आप उसे ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है, साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, जो आपका TGT में आज का टॉपिक है संतुलित आहार, तो इसके बारे में जानेंगे। बैलेंस डाइट होता क्या है, संतुलित आहार होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर को क्रियाशील रखने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा शरीर है उसे क्या, क्रियाशील रखने के लिए जो भोजन है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भूख द्वारा शरीर अपनी आवश्यकता संबंधी आवश्यकता को प्रकट करता है। तो क्या कैसे करता है, तो भूख द्वारा शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता को प्रकट करता है। ठीक है, परंतु भोजन का उद्देश्य केवल भूख शांत करना नहीं होता है, पेट भर लेना मात्र नहीं है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऐसे तत्व प्रदान करना जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर को उचित वृद्धि विकास कर सके, शरीर की रोगों से रक्षा कर सके, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। ठीक है, तो भोजन का मुख्य उद्देश्य है शरीर को ऐसे तत्व प्रदान करना जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सके, शरीर की उचित वृद्धि और विकास कर सके, शरीर की रोगों से रक्षा कर सके, शारीरिक क्रियाओं का नियमन कर सके। ठीक है, ऐसा भोजन जिससे हमें शरीर के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो, संतुलित भोजन कहलाता है। तो ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन। ठीक है, तो ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में मिले, प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन का अर्थ क्या होता है जान लेते हैं। वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, जो भोजन जो शरीर की ऊर्जा का निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कहा है कि संतुलित आहार है, ठीक है, संतुलित वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है। तो संतुलित वह आहार है, ठीक है, जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं, तो संतुलित वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि इसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उस भोजन को संतुलित भोजन कह सकते हैं जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोज, खनिज तत्व, विटामिन, जल आदि उचित गुण और मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, महत्व क्या संतुलित आहार का, तो मनुष्य को स्वस्थ रहने व दीर्घ जीवन जीने के लिए, जो मनुष्य है उसको क्या, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए व दीर्घ जीवन जीने के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का अत्यधिक महत्व है। जो मनुष्य है, जो इंसान है, ठीक है, उसको स्वस्थ रहने के लिए, अच्छा मतलब हेल्दी रहने के लिए, ठीक है, स्वस्थ मतलब रोग ना हो, ठीक है, दीर्घ जीवन मतलब लंबा जीवन जीने के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का अत्यधिक महत्व है। तो बैलेंस डाइट का बहुत महत्व है, संतुलित आहार ही ऐसा साधन है। तो जो संतुलित बैलेंस डाइट है
वही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास और स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है। तो जो आपका बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति का क्या कर सकता है, समुचित शारीरिक विकास, जो मनुष्य उसका समुचित शारीरिक विकास कर सकता है और स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है उसके। ठीक है, व्यक्ति को संतुलित आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, संतुलित आहार बैलेंस डाइट है जो उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाना खा ले, नहीं, हमें संतुलित आहार से भरपूर खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को संतुलित आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, सस्ते भोज पदार्थों से भी सभी आवश्यक योग तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सस्ते भोज पदार्थ है तो उससे हमें क्या पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, नहीं, बहुत से ऐसे सस्ते भोज पदार्थ हैं जिनमें हम आवश्यक योग्य भोज तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन के लिए किसकी आवश्यक है, देखिए मनुष्य को स्वस्थ रहने और दीर्घ जीवन जीने के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन बैलेंस डाइट की बहुत अधिक जरूरत है। संतुलित आहार एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास कर सकता है, स्वास्थ्य स्तर को उसके ऊंचा बना सकता है। ठीक है, व्यक्ति को संतुलित आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो व्यक्ति है उसे जो उसका बैलेंस डाइट है उसके ओर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो सस्ते भोज पदार्थ है उनसे भी आवश्यक योग तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि महंगे आहार खा के हम संतुलित आहार के पोषक तत्व पा सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम सस्ते भोज पदार्थों से भी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि विकास ठीक है के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर हम लोग जान लेते हैं संतुलित पर्याप्त और अपर्याप्त भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन क्या होता है, पर्याप्त भोजन कौन सा होता है और अपर्याप्त भोजन क्या होता है, तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन ही वह भोजन है जो शरीर की सभी आवश्यकताएं पूर्ण करता है। जो संतुलित भोजन है ठीक है वो क्या करता है, जो शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं संतुलित भोजन पूरी करता है। शरीर की उचित वृद्धि करता है, विकास करता है, क्रियाशील रहने पर शीघ्र थकान का अनुभव नहीं होता। और जो संतुलित भोजन है वो क्या करता है, शरीर की सभी जितनी भी इम्पोर्टेंट आवश्यकताएं हैं, नीड है, उनको क्या करता है, पूरा करता है। शरीर की उचित वृद्धि करता है, विकास करता है उसे, और क्या करता है, क्रियाशील रहने पर शीघ्र थकान का अनुभव नहीं होता है। संतुलित भोजन से शरीर पूर्ण स्वस्थ और निरोग रहता है। इसका कारण है कि संतुलित भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा और गुण में उपस्थित होना। तो इसका कारण क्या है, जो संतुलित भोजन है ठीक है उसमें क्या होते हैं, सभी आवश्यक तत्व ठीक है उचित मात्रा में और गुण में उपस्थित होते हैं। इसी कारण व्यक्ति को निरोग रहता है, थकान नहीं होती, वृद्धि होता है, विकास होता है। ठीक है, ऐसा भोजन करके ही व्यक्ति स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो व्यक्ति है तो ऐसा भोजन करके ही सुखमय स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, तो यह है संतुलित भोजन, मतलब संतुलित भोजन करोगे तो आपकी अच्छी तरह ग्रोथ भी होगी, ठीक है, वृद्धि भी होगी, विकास भी होगा, आपको जल्दी थकान भी नहीं आएगी। ठीक है, आप अपना कार्य भी कर लोगे, आप स्वस्थ भी रहोगे, निरोग भी रहोगे, आपको ताजगी महसूस होगी। ठीक है, क्योंकि संतुलित आहार करने से हमें शरीर में जो आवश्यक पोषक तत्व है वो हमें मिल जाते हैं शरीर के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है पर्याप्त भोजन कौन सा होता है, मतलब एक आपका पर्याप्त भोजन भी होता है। तो जिस भोजन से भूख शांत हो जाए वह शारीरिक भार में कमी ना हो। जो भोजन खाने से क्या हो, जो हमारी भूख लगी है, जब हमको क्या लगती है कि जब भूख लगती है तो हमें क्या लगता है, जल्दी से कुछ भी मिल जाए हम खा ले, तो क्या लगता है, जिस भोजन से भूख शांत हो जाए वह शारीरिक भार में कमी ना हो, वह समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव ना हो, और समान रूप से नॉर्मल रूप से हम कार्य कर रहे हैं उस समय हमें थकान का अनुभव ना हो। ठीक है, ऐसा भोजन ऊर्जा विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त होता है। ठीक है, तो पर्याप्त भोजन क्या होता है, ये बस वही भोजन है जिसमें बस हमारी भूख शांत हो जाती है, ठीक है, हमारे शरीर में वजन कम नहीं होता है और समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो
जिससे भोजन से भूख शांत हो जाए, शारीरिक भार में कमी ना हो, समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव ना हो। ऐसा भोजन ऊर्जा विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते भी सुरक्षात्मक दृष्टि से क्या होता है, अपर्याप्त होता है। पर यह क्या होता है कि ऐसा भोजन ऊर्जा और विकास की दृष्टि से तो सही है, पर जो सुरक्षात्मक दृष्टि से ये भोजन अपर्याप्त है, पूर्ण नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, फिर पर्याप्त भोजन, पर्याप्त भोजन हो गया, अब आ जाएगा अपर्याप्त भोजन। ठीक है, सॉरी, अब अपर्याप्त भोजन, वह भोजन जिससे शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे क्या होता है, अपर्याप्त भोजन वह भोजन जिससे जो शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि उससे पेट भरने तक की समस्या अपूर्ण रह जाती है। और उसमें क्या होता है, पेट भरने तक की जो समस्या होती है जो ठीक है, इसमें पेट भरने तक की समस्या क्या होती है, अपूर्ण रह जाती है। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है, अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब सब कुछ है उसमें, पशु आध्यात्मक दृष्टि से पूर्ण नहीं माना जाता, और पर्याप्त तो समझ ली आ लग गया, बिल्कुल पर्याप्त ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में उन्होंने संतुलित आहार यानी संतुलित भोजन जाना, ठीक है, किसे कहते हैं, फिर हम लोगों ने जाना कि पर्याप्त अपर्याप्त भोजन क्या है, तो इसके बारे में जाना, संतुलित भोजन का महत्व क्या है, तो ये जाना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।